नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. दास। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? क्या आपको एक साल हो गया या दो साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए? क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई बहुत बड़ा सपना है? निश्चित ही होगा। जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो एक बड़े सपने को लेकर आता है। जो जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया होगा या आप खुद ज्वाइन किए होंगे तो निश्चित ही आपने बड़े सपने लेकर के इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। एक बड़ा सा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाखों रुपए की इनकम चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि जो बिजनेस या जो जॉब आप पहले कर रहे थे वो कितने सालों से कर रहे थे और फिर उसमें आपको कितना आ रहा था। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन सक्सेस रेशियो बहुत कम है। आपको नहीं लगता है कि ये बात सही है? बिल्कुल सही है। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना और ज्वाइन करके सक्सेस होना दो अलग अलग बातें हैं। दोस्तों, किसी ने बोल दिया और आप ज्वाइन कर गए, किसी के बहुत अच्छा इनकम है उसको देख के ज्वाइन कर गए, किसी को अच्छी गाड़ी है उसको देख के ज्वाइन कर गए, किसी को लाखों रुपए की इनकम है उसको देख के आप ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन आपको पता है कोई व्यक्ति लाखों रुपए की इनकम, उसके पास गाड़ी, घर, बंगले, इंजॉयमेंट कैसे आता है? कितने सालों में आया? आप जरा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ा संघर्ष है। उसने वहां तक जो अचीव किया है उसके पीछे बहुत सारा योजना है, बहुत सारी प्लानिंग है। आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना आसान है लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो काम शुरू होता है वो काम लोग भूल जाते हैं। उम्मीद बड़ी बड़ी लगा लेते हैं, सपने बड़े बड़े देख लेते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए हम सबको, आप सबको सीखना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। दुनिया में कोई भी बड़ी कामयाबी बिना प्लानिंग से नहीं आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता भी बिना प्लानिंग से नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यदि आप किसी भी जगह सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे जॉब में, परिवार में, समाज में, किसी भी बिजनेस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए क्या आपने कोई प्लानिंग करी कि आपको क्या करना है, कितने दिनों में करना है, किसके साथ करना है, कौन से पिन अचीव करना है, कितने रुपया कमाना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा बंगलो खरीदना है? आपने नहीं करी। दोस्तों, आप आज ही, बल्कि अभी आप पहले प्लानिंग कीजिए कि आपको इस बिजनेस में क्या चाहिए। यदि आपको लाख रुपए की इनकम चाहिए तो लाख रुपए की प्लानिंग करनी पड़ेगी। कितना प्लान करेंगे, किसके साथ प्लान करेंगे, कितने दिनों में आप इसको अचीव करेंगे? दोस्तों, सबसे पहले प्लान होता है और प्लान जब तक आपको नहीं आएगा, योजना जब तक आप नहीं बना पाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले होती है तैयारी। आपको जो कुछ भी चाहिए, एक छोटी सी छोटी, एक कोई काम करते हैं, शादी हो, शादी ब्याह होता है, मुंडन, जनेऊ, उपनयन, संस्कार, कुछ भी होता है, तो आप क्या उस तैयारी नहीं करते? महीनों तैयारी करते हैं और इसके बाद जाके आप एक दिन में उसको पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी सफलता लेने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 99% इस बिजनेस में तैयारी होती है। आपको प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में, अपलाइन के सपोर्ट किस तरह से है, डाउनलाइन आपका किस तरह के लोग आ रहे हैं, उसके एजुकेशन के बारे में, सिस्टम के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद तैयार होना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। 99% आपको तैयारी करनी है और 1% काम है। मैं बार बार मीटिंग में बोलता हूं कि इस बिजनेस को करना नहीं है दोस्तों, बिजनेस को बनाना है। और जिस दिन ये बिजनेस बन जाएगा आपको लाखों रुपया इनकम होगा, आप जो चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले तैयारी तो कीजिए। आज ही आप बैठिए, आज ही आप डायरी पेन उठाइए और आप लिखिए कि आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, कितने रुपए की इनकम चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन कहां घर चाहिए, कितने रुपए का घर चाहिए। यह आपको लिखना पड़ेगा और फिर उसकी प्लानिंग कीजिए अपने अपलाइन के साथ बैठ करके, और फिर देखिए कि किस तरह से आप बहुत जल्दी कामयाबी की बुलंदियों पर होंगे। दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।